गैस बहुत लोगों को आंसर की जो सीटेट की आई है तो मिलाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि आंसर की आ गई है, ऑलरेडी हमने वीडियोस पर डाल भी दिया था, तो आंसर की आ गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस आंसर की, इसकी नोटिस है ये, आप देख लीजिए आ गई है, इसमें क्लियर लिखा है कि आंसर की आ गई है। चैलेंज भी आप कर सकते हैं, चैलेंज 14 तारीख से 17 फरवरी के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर की आने का। उसके बाद यहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको ऊपर में ध्यान से देख लीजिए, ये जो है आपका प्रोविजनल आंसर की, इस पे क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये क्या है, हर डेट का है, तो आपको क्या करना है, सपोज कि मान लीजिए कि 28 दिसंबर को है आपका, मान लीजिए कि जिस डेट में एग्जाम हुआ था, सपोज आपका 12 जनवरी को हुआ था, तो वो वाला ओपन कर लीजिए, पीडीएफ पूरा ऊपर से नीचे तक आपको हर दिन का है, तो जिस दिन भी ओपन हुआ था, मान लीजिए 11 जनवरी को आपका हुआ था, तो इसको ओपन कर लीजिए, एक एक बाग एक साइड में इसको रख लीजिए, और फिर से सीटेट की वेबसाइट पर जाइए, और आपने जो भरा है वो निकालने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन पे क्लिक करिएगा सीटेट दिसंबर 2022 पे, तो वही आईडी पासवर्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड है वो डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसको फिर से निकाल लीजिएगा। वो जब निकाल क्लिक करिएगा तो आपको कैसा दिखेगा, आपको कुछ इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा, मतलब लॉगिन करने के बाद, ठीक है। लॉगिन करने के बाद पहले आपको खाली डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आता था, अब नीचे में आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स, आप दो है एक है जो भी है सब यहाँ पर आपको रहेगा, इस पर क्लिक करके आप ये रिस्पॉन्स डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ये पीडीएफ है ना, क्या कहते हैं ये वाला पीडीएफ है आपका, ठीक उसी प्रकार से वो वाला पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जो आपका अपना रिस्पॉन्स की होगा। याद होगा पिछले साल भी आपको उसी प्रकार से जो आया था, जो देखिएगा तो आप पहचान जाइएगा पहले का भी वही था, तो उसको बगल अगल रखिए, आपके जो आपका जो अपना कॉपी है उसको, मतलब जो आपका अपना यहाँ पर 150 क्वेश्चन का सेट है उसको और इसको, तो आपका जिस डेट में हुआ था वो निकाल लीजिए, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर देखते हुए, है ना, एक का एक है आपने क्या लगाया है, दो का दो है आपने क्या लगाया है, तो वो करते करते आप आराम से गिन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान प्रोसेस है। एक और चीज है, लॉगिन करने के बाद आपका ये जो पेज आएगा है ना, इसके में हो सकता है कि ये क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम ले, सर्वर थोड़ा सा स्लो रहता है अभी इस टाइम पर, थोड़ा लेट से ठीक हो जाएगा तो वो टाइम ले सकता है, लेकिन उसी में जो निकलेगा उसी को अपने डेट में से आप मिलान करके कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर एक साइड में इसको रख के, जो एक्चुअल आंसर की एग्जाम डेट ध्यान से देख लीजिएगा, शिफ्ट वाला कौन सा, जैसे ये इवनिंग शिफ्ट का है, आप मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब पेपर वन का मॉर्निंग शिफ्ट होगा तो 150 क्वेश्चन का वो होगा, तो एग्जैक्टली देख के आप अपना कर लीजिएगा। लैंग्वेज पेपर देख लीजिएगा कौन सा है आपका, सारे लैंग्वेज के लिए यहाँ पर रहता है, जैसे 11 जनवरी का ही कितना है देख लीजिए, तो उसी 11 जनवरी का आपका कॉमन पेपर, आपका लैंग्वेज जो होगा पेपर वन पेपर टू में, उस हिसाब से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।